हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण की विधि। ऊष्मा संचरण की देखिए यहाँ पर विधियाँ लिखी है तीन, चालन, संवहन, विकिरण। तो ऊष्मा संचरण किस प्रकार से होती है, किस में किस विधि से होती है, ठोस में किस प्रकार से होती है, द्रव में किस प्रकार से होती है, गैस में किस प्रकार से होती है, विकिरण क्या है, इन सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। हाँ, इससे जितने भी कंसेप्ट होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी, आपका क्लियर हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला कह रहा है चालन। चलन क्या होगा, देखिए ये एग्जाम्पल आपको जो दिए हैं, हम एग्जाम्पल से आपका सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका है, इसका भी और इसका भी, आपका एग्जाम्पल से परिभाषा इसकी याद करने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, बस आपको माइंड में आ जाएगा चलन क्या है। एग्जाम्पल याद रहेगा, माइंड में आ जाएगा संबंध क्या है, विकिरण क्या है, और क्वेश्चन बन जाएगा। परिभाषा से याद करना है, हमको क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, देखिए एक ये लोहा का टुकड़ा है, जब इसको हम आग से गर्म करेंगे तो इसमें होता क्या है, लोहा क्या है, एक प्रकार का ठोस है। ये क्या है, ठोस। जब इसमें हम गर्म करते हैं तो जो इसके पास जो अणु होते हैं, ये अणु जो हुआ है इस, ये गर्म होते हैं और ये अपने पास का जो ऊष्मा होता है दूसरे अणु को देते हैं, वो अणु क्या करते हैं, अगले अणु को देते हैं। यानी अणु ऊष्मा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, स्थिर रहते हैं। अणु क्या होते हैं, अपने जगह पर ही रहते हैं। अणु जो होते हैं ठोस के, अपने जगह पर रहते हुए ऊष्मा को एक दूसरे से ट्रांसफर करते रहते हैं। इस प्रकार देखते होंगे आप खाना बनाते हैं समय, जब कलछुल छोलनी जब उसमें छोड़ते हैं कढ़ाई में, तो कलछुल का लास्ट सिरा भी गर्म हो जाता है। इसी का क्या होता, कलछुल जो नीचे रहा उस पर ट्रांसफर करते 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 का लास्ट सिरा तक आता है, इसलिए गर्म लगता है। तो वहीं इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो ठोस में होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से, अणु स्थिर रहते हुए ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। दूसरा समझेंगे संवहन। देखिए संवहन में क्या हो रहा है, ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी लिए नीचे आग दे रहे हैं। जब इसको हम पानी को गर्म करेंगे तो वो होता क्या है, जो नीचे जो आग के सतह में जो पानी होता है वो गर्म होकर, गर्म होने के बाद हल्का होता है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर से जो भारी वाला जल के अणु है वो नीचे आएगा। इस प्रकार रोटेशन होते रहता है, मानी अणु क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, मानी अणु। तो इसमें संवहन में क्या होता है, अणु गति करते हैं, नीचे जो आग के सतह पर जो आग के संपर्क में जो रहते हैं पानी, द्रव या गैस, वो हल्का होकर, गर्म होने से हल्का ऊपर चले जाते हैं और भारी वाला नीचे। इस प्रकार का रोटेशन होते रहता है। मैंने ऊष्मा संचरण की वैसी विधि जो अणुओं के स्थानांतरण से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उस विधि को संवहन कहते हैं। ये किस में होता है, द्रव और गैस में, किस में होता है, द्रव और गैस में होता है। ठीक, तो याद रखेंगे द्रव और गैस में ऊष्मा संचरण होता है संवहन से, ठोस में होता है चालन से। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाय की केतली, एग्जाम्पल में पूछता है कि चाय की केतली किस विधि से गर्म होती है। तो केतली देखिए, देखिए क्या हो गया, ठोस, तो चालन विधि से होगा। उसी में देखेगी कि केतली में चाय किस विधि से, चाय हो गया आपका क्या हो गया, द्रव, तो द्रव किस विधि से, संवहन विधि से। तो ये चाय के केतली हो रहा है, आप याद रखिएगा, आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। केतली पूछेगा तो चालन से, और चाय जो होगा केतली में वो होगा संवहन से। ठीक, अब चलिए तीसरा देखेंगे, विकिरण यानी रेडिएशन। तो देखिए विकिरण की परिभाषा ही है कि यह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जो माध्यम के या बिना माध्यम के, उस माध्यम को बिना गर्म किए हुए किसी वस्तु पर कर उस वस्तु को गर्म कर देती है। तो ऊष्मा की ऐसी संचरण की विधि को क्या कहते हैं, विकिरण। देखिए समझ में नहीं आएगा परिभाषा, एक बार इसे समझ आएंगे। देखिए मान लीजिए सूर्य, सूर्य की जब रोशनी आती है तो ये माध्यम हो गया, इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अणु है ना। मान लीजिए माध्यम रहे चाहे ना रहे, वो क्या होगा, ऊष्मा का जो इसका होगा स्थानांतरण, ये कहाँ तक आएगा, नीचे सतह पर। मान लीजिए ये धरती होगी, इस पर आदमी है, ये क्या है, आदमी है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, आदमी पड़ेगा। ये माध्यम को गर्म नहीं करता है, विकिरण विधि जो होता है वो माध्यम को, जैसे माध्यम सूर्य आ रहा है तो वायुमंडल तो होते हैं, वायुमंडल में तो गैस भी, उसको गर्म और करना चाहिए, लेकिन गर्म वो नहीं करता। वो क्या होता है, जिस पर पड़ता है उसको डायरेक्ट उसको गर्म करता है। तो ये जो सूर्य की रोशनी मनुष्य पड़ता है, चाहे पेड़ पौधा पड़ेगा, चाहे पत्थर पड़ेगा, तो उसको गर्म करेगा। तो उसमें संचरण की ये विधि होगी, उस माध्यम को गर्म नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिए, माध्यम की आवश्यकता भी नहीं रहती है उसके स्थानांतरण के लिए। इसमें देखिए माध्यम होना चाहिए ना, इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है और वो माध्यम को गर्म नहीं करता है, और डायरेक्ट जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु को गर्म करती है, तो ऊष्मा की ऐसी संचरण की विधि को विकिरण कहते हैं।
ठीक है, क्लियर, तीनों आप समझ गए। देखिए एक एग्जाम्पल है बल्ब, बल्ब के एग्जाम्पल इसमें आपको तीनों क्रिया होती है, चालन भी होता है, संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, इससे आप तीनों समझ जाइएगा। देखिए जैसे ही ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट, या तंतु किसका होता है, टंगस्टन का, याद रखेगा टंगस्टन का। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो बल्ब में जो गैस भरा तो कौन सा गैस होती है, आर्गन गैस, क्यों भरा था, ये निष्क्रिय होता है, ये निष्क्रिय होता है इसलिए अभिक्रिया, ये जो फिलामेंट है तंतु होता है अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, नहीं तो अभिक्रिया करेगा तो इसको गला देगा, इसलिए इसमें निष्क्रिय गैस बनते हैं, कौन सा गैस, आर्गन। तो जैसे ही देखिए गर्म होगा ये लाल होता है, लाल होता है तो ऊष्मा इससे निकलती है, वो ऊष्मा विकिरण के माध्यम से क्या होता है, इससे सतह पर जाएगा, कांच जो होता है फ्लिंट कांच का बना होता है बल्ब, जो कांच होता है कांच के सतह पर जाएगी इससे निकल के, तो ये बताइए अभी बताए विकिरण इसको जो आर्गन गैस इसको गर्म करेगी नहीं, माध्यम को गर्म, विकिरण जो होता है माध्यम को गर्म नहीं करता है, तो इसको गर्म नहीं किया, किसको गर्म करेगा, ये कांच को, फिलामेंट गर्म हुआ पूरा लाल लाल से विकिरण निकलेगा, विकिरण निकलने से ये कांच गर्म किया, तो कांच गर्म हुआ तो कांच एक प्रकार का ठोस हो गया, किस विधि से, चालन विधि से। जब ये कांच गर्म होगा तो उसमें इससे निकल कर क्या होगा, इस जो ये हीट जो यहाँ जनरेट हुआ इससे क्या होगा, गैस में होगा, आर्गन गैस गर्म होगा, किस विधि से, आपको संवहन विधि से। इसमें आपका तीनों होता है, चालन भी हो जाता है, चालन उसके कांच गर्म होता है, और कांच से जो संपर्क में जो भी गैस आते हैं वो गर्म होते जाते हैं, तो वो क्या हो गया, संवहन विधि हो गया, और विकिरण विधि से उसमें को वहाँ जनरेट भी होता है, उत्पन्न होता है विकिरण विधि से। तो इस प्रकार बल्ब में आपको तीनों प्रकार के होता है ऊष्मा संचरण, संवहन, चालन और विकिरण। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप के माध्यम से ऊष्मा संचरण समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपके अच्छा लगा हो तो मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लाइक करें, इस प्रकार वीडियो के लिए आप इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।